ओम सूर्यदेवाय नमः। मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हमारे उड़ीसा का एक प्रचलित पूजा है जिसे बोलते हैं सांब दशमी। ये सांब दशमी हम सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो सूर्य नारायण इनको बोला जाता है, सूर्य नारायण इनके आगे लगा के आज की पूजा की जाती है। तो आज की पूजा का इतनी मान्यता क्यों है आपको आज मैं बता रही हूँ। तो उड़ीसा में ये बोलते हैं कि 12 महीना 13 पर्व होता है, मतलब पूजा पाठ में बहुत बिलीव रखते हैं सब। तो आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो बहुत ही प्रचलित है और शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं है, बताना चाहूंगी। आप लोगों को बता दो ये पूजा की मान्यता इतनी ज्यादा क्यों है और सब इतने अच्छे से मतलब इतना मानते क्यों है, सूर्य नारायण की ये सांब दशमी पूजा क्यों करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है, तो आप लोगों को शायद ये अच्छी लगे और क्यों हम ये पूजा करते हैं इस छोटी सी कहानी से रिलेटेड है। तो जब द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र जिनका नाम था सांब, तो जो सेम था जो उनको अगर साथ में खड़े हो जाएं तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सांब बहुत सुंदर थे देखने में और बिल्कुल कृष्ण की जैसा ही थे। तो उनका छोटे थे तो उनका नटखटपन बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर नारायण हमारे नारद मुनि जो हैं वो जब भी प्रभु के दर्शन करने आते थे तो उनको सांब जो हैं कृष्ण के पुत्र वो बहुत परेशान करते थे। तो नारद ने एक दिन सोचा कि इस इनके पुत्र को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो इतना उदंत होते जा रहे हैं। तो एक दिन क्या किए, वो उन्हें सांब के पास गए, पति सांब को कि कृष्ण की जितनी गोपिकाएं हैं वो आप सबको बुला रही, बोलते हैं कि आपको बुला रही हैं। तो वो बोले कि कहाँ बुला रहे हैं, तो वहाँ पर जब यमुना तट के किनारे जब सब गोपी नहाते हैं तब तो जब सांब गोपिकाओं के पास गए तो गोपिका सब सोचे कि कृष्ण हैं। तो कृष्ण के साथ जैसे वो गोपियाँ सब डांस करने लगती है, उन्हें जैसे उनके उनके प्यार में मग्न रहती थी उनके, तो वैसे ही सब होने लगे मतलब गोपिकाएं। जब कृष्ण वहाँ पहुँचे तो गोपिकाएं देख के एकदम अचंभा हो गई। तो उन्होंने बहुत क्रोध में सांब को श्राप दे दिया कि तू अपने जो इतने सुंदर रूप लेके हमारे साथ जो छल किया उस ये तुम्हारा कुरूप हो जाए, यानी उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। और कहीं बस ये लिखा गया है कि जब कृष्ण सत्यभामा के साथ जब एक कक्ष में थे तो किसी कार्यवर्ष में सांभव बिना पूछे वो रूम में चले गए। तो तब कृष्ण ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे ये रोग हो जाए। सांभव की ये दशा देखकर कृष्ण को बहुत उन पर दया आई और फिर उन्होंने उनको बोला कि तुम जाके सूर्य की पूजा आराधना करो और तुम अर्घ क्षेत्र कोणार्क में जाके सूर्य की ये पूजा करो। फिर सांभव ने सूर्य जी की पूजा पूरे 12 वर्ष की तपस्या की। फिर अंत में सूर्य नारायण, इन्हें इसलिए सूर्य नारायण किया जाते क्योंकि सूर्य जी खुद ही नारायण के भक्त हैं। तो उस समय फिर वो इस रोग से मुक्त होते हैं, कुष्ठ रोग से, और अपना सुंदर रूप भी पाते हैं। तो इससे ये इन्हें ये जो कथा है इतना प्रचलित है कि सारी माएँ अभी अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने परिवार के लिए करती हैं। चलिए आज मैं यहाँ पर क्या क्या मैंने भोग बनाया है। तो सौरिम के लिए मैंने कुछ भोग मतलब मन्नत रखा था तो वो मैंने रखा है, और मेरी मम्मी ने भी उधर पूजा किया है, फिर मेरी सासू माँ ने भी उधर पूजा किया है और हम तो यहाँ हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आज हम क्या क्या बनाए हैं। सो यहाँ मैंने थोड़ा पानी लिया था, इसमें शुगर और सॉल्ट थोड़ा ऐड कर रही हूँ और अभी साथ में इसमें सूजी थोड़ा इसमें घोल बनाऊँगी। और यहाँ पर सब मैं सौरम के लिए ये मन्नत था कि मैं एक चावल का खीर जिसे हम अटकाली बोलते हैं तो वो खीर बनाना है, तो ये मैं पूरा ड्राई रखूँगी। तो आपको आगे आगे बताते जाते हूँ ये कैसे बनना है मेरा। तो मैं ये भीगा हुआ चावल है
जैसे हम जो खीर बनाने में यूज़ करेंगे, तो अभी मैं इसे पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और हमारे घर में, हमारे जो यहाँ पर पूजा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकवान बनते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने अब खीर के लिए एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसमें शुगर डाल दे रही हूँ। अब मीठा टेस्ट के अनुसार, अपने मीठा के अनुसार डाल लीजिए शुगर इसमें। और यहाँ पर मैं कुटा हुआ इलायची डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसे यानी फ़ौरन जो हम घी का तड़का ये सब कुछ नहीं देना है इस पर, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसे शुगर को मिला लेना है पानी में। सो इसे एक उबाल होने तक बैठाए रहते हैं। तो हम बना रहे हैं अभी, जो हम सूजी को जो हम गोल बनाए थे, तो ये हम छोटे छोटे पीस में एक लोई बना लेंगे। आप जितना छोटा चाहे या बड़ा चाहे बना सकते हैं। तो ये हमारे खीर में जाएगा, इसे ही हम अटकली बोलते हैं। तो यहाँ बस मैं बना ले रही हूँ एक अपने हिसाब से लोई। तो यहाँ पर तो खाने वाले बहुत कम हैं, तो इसलिए मैं कम ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप दो बच्चों के लिए यही एक मन्नत रखे हैं, जैसे कि आप ये अटकली जो खीर है उसको, तो हम जब पूजा करते समय 2 प्लेट ही निकालेंगे, क्योंकि 2 बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे रेडी है। हम अब इसमें जो हमारा बॉयल हुआ है वाटर, अब इसमें जो शुगर सिरप था उसमें डाल लूँगी और इसे उबलने दूँगी कि अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए, हमारा अच्छे से ये पक गया, फूल भी गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूध भी डाल लेती हूँ। और यहाँ पर ये जब हमारा अच्छे से घुल गया है, तो ये जो चावल का मैंने पीसा था पेस्ट बना के, उसे हम डाल लेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। कंटिन्यू आपको चलाना है, क्योंकि नीचे बैठ जाएगा तो आपका मतलब ये गुटा सा बन जाएगा। तो मेरे को घोलते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा सा सिरप ना बन जाए। ये देखिए, हमारा गाढ़ा सा घोल बन चुका है। सो हमारा खीर रेडी है। तो अब मैं चलती हूँ हमारी सब्जी बनाने के लिए। तो ये गुड़गुड़िया तरकारी बोलते हैं, तो यहाँ पर सब मिक्स वेजिटेबल बोल सकते हैं, मिक्स पीस बोल सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए है। तो यहाँ पर सारा पीस जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का, सारा आपको मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने जो रात से ही फुला दिया था ये सब सारे पीस, तो यहाँ पर मैं अभी एक उबाल दे दूँगी नमक और हल्दी डाल के। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ वेजिटेबल डाले हैं, आप कुछ भी वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी, बैंगन, थोड़ा सा रेडिश डाला है, मूली और आलू और टमाटो, ये सब डाल के फिर एक प्रेशर डाल दूँगी। सो हम 4 भाई बहन हैं, और हमारे लिए सबके लिए कुछ कुछ मन्नत मांगा था मेरी मम्मी ने। तो ये सारा चीज़ मम्मी ने बनाया है पकवान हम सबके लिए पूजा करने के लिए। तो थोड़ी सी पिक्चर थी आप लोगों से शेयर की। और बहुत टाइप के मम्मी ने सुबह सुबह ही बना के पूजा कर लिया था। मेरी फ्रेंड और हम लोग दोनों मिलके खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सब उसने कुछ बनाया है और मैंने कुछ बनाया है, तो मिलके हम सब मिलके इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंड, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।